आप देख रहे हैं 12 से 2 द पॉलिटिकल शो। आज अब मेरे साथ जो पत्रकारों का पैनल बना हुआ है, अब जानेंगे कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है 2024 के चुनाव से पहले। एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल किया है उसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, किसे कितना वोट मिला है ये पहले जान लीजिए। बीजेपी को 37% और जो एमवीए है महा विकास अघाड़ी उसको 41% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 22% वोट जा सकते हैं। जो कांग्रेस प्लस लिखा है वो हमने उसी के लिए लिखा है। अब इसको देखिए जो परसेंटेज है, अगर वो आंकड़ों में जाता है नंबर्स में, तो बीजेपी के 19 से 21 सीटें और महा विकास अघाड़ी के पास 26 से 28 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है, ये अनुमान लगाया गया है। तो शुक्ला सर, बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे हो गया है, लेकिन अब की बार समीकरण काफी बदल गए हैं, क्योंकि पिछली बार जो शिवसेना थी उद्धव वाली पूरा जब एक साथ थे तब वो बीजेपी के साथ लड़े थे, अब की बार समीकरण बदल गए हैं, आधा गुट इधर है आधा गुट उधर है, वही बात एनसीपी के साथ भी है, तो ये प्रभावित करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। अब आप देखेंगे, जैसे आपने शिवसेना और एनसीपी की बात की, तो शिवसेना और एनसीपी की जो क्रीम है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। क्रीम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संगठनात्मक तौर पे बाला साहेब ठाकरे के साथ जो लंबे समय तक काम की वो 2 लोग थे, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे। आज दोनों उद्धव गुट के साथ नहीं है, राज ठाकरे की अपनी प्लेटफॉर्म है और एकनाथ शिंदे चले आए हैं सबको लेके कहाँ, बीजेपी के साथ। अब एनसीपी की बात करें तो एनसीपी की जो जमीन तैयार की थी शरद पवार जी ने, उस जमीन को उर्वरक बनाया अजीत पवार जी ने, अजीत पवार जी आज आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आप कहेंगे कि दोनों जो बड़े दल हैं वहाँ क्षेत्रीय बड़े दलों का क्रीम आ गया इधर और छांच रह गया उधर। ऐसी स्थितियों में जो ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं कहता कि ये आंकड़ा सही है या गलत है, बदल भी सकता है, लेकिन चुनाव का जो अभी हाल का जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उस चुनाव ने लोकसभा चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि दलगत राजनीति से नहीं हुए थे, लेकिन एक तरह से उसको हम एक छाया मान सकते हैं कि कुछ इसी तरह की तस्वीर आने वाले लोकसभा चुनाव की भी रह सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले की बनस्पत ज़्यादा मजबूत रहने वाली है, क्योंकि उसके पास एनसीपी का एक बड़ा चेहरा आ गया है, शिवसेना का एक बड़ा चेहरा आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के पास अपना चेहरा है, देवेंद्र फडणवीस जी का है और उसमें मोदी जी से बड़ा तो कोई चेहरा है ही नहीं। तो महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। दिलचस्प तो रहने वाला है, लेकिन जो ओपिनियन पोल है उस पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं नेताओं के। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल किया उस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का एक बयान सामने आया। संजय निरुपम ने कहा है कि ओपिनियन पोल में भले ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीटें मिल रही हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इससे भी ज्यादा आंकड़ा पार करेंगे, हम बीजेपी को मात दे सकते हैं। संजय निरुपम का बयान आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एबीपी न्यूज ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी। सर, आपके लिए तो खुशखबरी की बात है। बिल्कुल खुशखबरी की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक सरकार बनाई गई दलों को तोड़ तोड़ करके, उसकी वजह से महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं, महाराष्ट्र का मतदाता नाराज है और उनकी नाराजगी इन मशीनों में उतरेगी और उसी का नतीजा भी आपको एक इशारे के तौर पे दिख रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट दी है वो अधूरी है, अभी ये पूरी तब होगी जब जाके कहीं 35 मतलब 35 और 38 के आसपास बल्कि उससे भी ज्यादा सीटें एमवीए को मिलती हुई दिखेंगी या फिर मिलेंगी। ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा, अगर ऐसे में मोदी की गारंटी वाली जो बात आती है अगर वो होता है तो क्या फिर ये मामला थोड़ा डगमगा जाएगा? मोदी की कथित गारंटी या कथित लोकप्रियता के ऊपर इस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भारी पड़ेगी। तो संजय निरुपम को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल पर बीजेपी का भी अपना पक्ष है। बीजेपी के पूर्व सांसद हैं किरीट सोमैया, उन्होंने बड़ा दावा किया है। किरीट सोमैया का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार 40 सीटें जीतेगी, मोदी की गारंटी यहां भी काम करेगी। बीजेपी ने जो काम किए हैं जनता ने उन्हें देखा है और यही वजह है कि बीजेपी को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। किरीट सोमैया का बयान सुनाते हैं आपको। भी लोकसभा चुनाव सांसद रहे हैं और ये जो ओपिनियन पोल आया है इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या वास्तव में यही स्थिति है महाराष्ट्र में? आपको आपका एग्जिट पोल याद होगा, सिर्फ एबीपी नहीं अनेक चैनलों ने अभी जो 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में जो एग्जिट पोल दिखाया था उसको
एक्चुअल रिजल्ट ने एग्जिट यानी बाहर का दरवाजा दिखा दिया था। इसलिए जो चैनल होती है, सर्वे करने वाली कंपनियां होती है, उनको जो रेफरेंस दिया जाता है उस रेफरेंस के आधार पर उनका बस चले तो 10 से भी कम सीट दिखाए। हम ओपिनियन पोल की नहीं बात करते, हम जनमत। आज मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी पीएम महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा सीटें भाजपा और सहयोगी पक्षों की आने वाली है। मतलब आप सीधी बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी की, जनता के विश्वास की, कि जनता का आज मोदी जी में विश्वास। महाराष्ट्र राज्य में स्थिति थोड़ा सा अलग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एनसीपी बिखर के जो है आधी टूट करके आपके साथ आ गई है, शिवसेना आधी टूट के आपके साथ आ गई है। एक अकेला मोदी काफी है, आपने देखा 2014 में यही स्थिति थी, विधानसभा चुनाव में बिखरे हुए थे सभी पक्ष, तभी भी भाजपा को 122 विधानसभा सीटें मिली थी। तो महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं अब इस पर भी हम चर्चा करेंगे आशीष कुमार सिंह। बड़ा सवाल यही है कि पिछली बार जो लोग साथ थे अब इस बार साथ नहीं है, जैसे कि अगर हम शिंदे की बात करें तो शिंदे पिछली बार थे तो, लेकिन उन्होंने जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो अब की बार कितना शिंदे फायदा पहुंचा पाएंगे बीजेपी को एनडीए गठबंधन? देखिए मुझे लगता है कि आप इंडिया के बनिस्पत देखिए ना, अभी तक इंडिया अलायंस, फिर मैं कह रहा हूँ अपने मेन पॉइंट पे मैं वापस आना चाहूंगा, पहले भी मैंने जिक्र किया कि सीट शेयरिंग अभी तक हुई नहीं है। ये बात और है कि यहाँ की जो महाविकास अगाड़ी में जो पार्टियाँ हैं अभी भी जो फैक्शंस हैं वो निश्चित तौर पर पॉपुलर सपोर्ट तो ज़रूर रखती हैं, लेकिन बड़ा धड़ा जो है, जो मोर इन्फ्लुएंशियल धड़ा है, वो अब पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है बीजेपी के साथ, जो पहले शुक्ला जी भी कह रहे थे। तो एज तो है उन लोगों को, और फिर देखिए लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस की बात अलग होती है। मुख्य तौर पर हमको ये देखना पड़ेगा कि सीट शेयरिंग जो है महाविकास अघाड़ी ठीक से कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अभी तक उद्धव ठाकरे पिछली बैठक में जब आए दिल्ली में, जो अलायंस की बैठक हुई, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सबके सामने इस बात का जिक्र किया कि आप लोग ये कमिटीज बैठकें ये खेल मत खेलिए, आप कहिए हम आते हैं और इसको जल्द से जल्द फॉर्मलाइज करिए। जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी, जब तक वोटर को ये पता ही नहीं होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, 48 सीटें हैं, संभव है कि तीनों दल मिलकर के आपस में, मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ, महाविकास अघाड़ी की बात कर रहा हूँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें, जब तक वो फिगर सामने नहीं आता है मुझे लगता है कि ये आंकड़ा बदल भी सकता है और मोर इन फेवर ऑफ एनडीए जा सकता है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, दोपहर 3:30 बजे 28 मंत्री शपथ लेंगे। मोहन मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट मंत्री होंगे और 4 राज्य मंत्री होंगे, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होंगे। आशीष कुमार सिंह, ये बहुत बड़ा किस्सा होगा, क्योंकि कई बड़े नाम जिनको चुनाव लड़ाया गया है उनको भी मंत्री पद देकर संतुष्ट करना है। और ये सारे नाम वो थे जिनके बारे में हम स्पेकुलेट कर रहे थे, जब मैं भी गया था मध्य प्रदेश करीबन 1.25 महीने में वहाँ रहा, इनके इंटरव्यूज भी कर रहा था, तो हम खुद स्पेकुलेट कर रहे थे विवेक कि इनमें से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, खासतौर पर प्रहलाद पटेल बड़े ओबीसी चेहरा थे। कैलाश विजयवर्गीय जी, मुझे याद है मैंने उनका इंटरव्यू किया था इंदौर में, जहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या उसके लिए दावेदारी करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जो पार्टी लीडरशिप मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा, और उन्होंने मेरे सवाल का नेगेटिव में जवाब नहीं दिया था। और हम पहले भी वो वीडियो देखे थे, आपको याद होगा, जब उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बोला था कि मैं यहाँ सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ। तो बड़ा दिलचस्प ये कैबिनेट मुझे लग रही है। राकेश सिंह जिनके बारे में कहा जा रहा था कि चुनाव बड़ा उनका फंसा हुआ है, तरुण के सामने जो पहले रेवेन्यू मिनिस्टर थे कमलनाथ के साथ, वो चुनाव जीत गए और उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रहलाद पटेल जो कि सीएम का चेहरा माने जा रहे थे कि अगर शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी फेस को विवेक हटाया जाता है तो संभव है कि प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बड़ा टिपिकल है, मतलब देखना पड़ेगा कि आगे प्लेआउट कैसे होता है। ये दिग्गज हैं, ये बड़े नेता हैं, ये एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के नीचे सर्व करेंगे जिनके बारे में हमने बहुत ज्यादा दिल्ली में बैठकर के देखा सुना नहीं था। बाकी गेस्ट आपको ज्यादा मुझे लगता है इस पर लाइट डालेंगे, बट बड़ा दिलचस्प है। और अब ये देखना बड़ा मुझे लगता है दिलचस्प होने वाला है कि आखिर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश इतने बड़े नेताओं का जो फ्लीट है उसको लेकर के कंफर्टेबल तरीके से अपनी सरकार मध्य प्रदेश में चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं। बट एज आई सेड, बड़ा दिलचस्प है कि इन सभी लोगों को मंत्री बनाया गया, जो ऐसा था, जैसा मैं फिर से दोहरा दूं, ऐसा लग रहा था कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री के लिए पिक किया जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री के नाम सामने आ रहे थे। अब एक बार मैं आपको जरा अंडरलाइन करा देता हूं, कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री होंगे, अर्चना चिटनिस भी कैबिनेट मंत्री होंगी, प्रहलाद पटेल भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, तुलसी सिलावट, राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे।
शुक्ला सर, 2024 की राह भी तो आसान करनी है, 29 सीटें भी तो जीतनी है ना इन्हीं लोगों के सहारे। देखिए, जो आपका मंत्रिमंडल दिख रहा है इसमें नया और पुराना अनुभव दोनों का मिक्सअप है, लेकिन दो नाम जिनका आशीष अभी जिक्र कर रहे थे, मैं दोनों नाम पे जो मेरा अपना आकलन ये है कि कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रहलाद पटेल जी का मंत्री बनने का मतलब ये नहीं कि 5 साल मंत्री रहेंगे। मेरा अपना मत है कि प्रहलाद पटेल जी को इस बार जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का कि छिंदवाड़ा सीट जीतना है, तो उनको लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रहलाद पटेल एक बार 2004 का चुनाव लड़ चुके हैं छिंदवाड़ा से, बहुत कम मार्जिन से हारे थे, बड़े चेहरा हैं मध्य प्रदेश के और वो अच्छी फाइट दे सकते हैं। वो प्रहलाद जी के अलावा शिवराज सिंह चौहान भी एक नाम हो सकते हैं जो छिंदवाड़ा से लड़ सकते हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जी को भी लोकसभा लड़ाया जा सकता है। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा कि फिर लोकसभा से विधानसभा फिर लोकसभा? देखिए, राजनीति में हमेशा बड़े चेहरों का उपयोग किया जाता है और उपयोग किया जाता है कहाँ, किसकी उपयोगिता है उस हिसाब से। तो लोकसभा से विधानसभा, विधानसभा इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया क्योंकि वहां स्थितियां ठीक नहीं थी, जो 7 सांसदों के लड़ने से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होने से, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा होने से भारतीय जनता पार्टी आज 163 सीट पे पहुंची है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में प्रहलाद पटेल जी को यदि लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है, आप उसका सोचिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोधी समाज के बीच में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि प्रहलाद जी को विधानसभा पहले केंद्र में मंत्री बनाया गया, फिर राज्य में मंत्री बने और आज फिर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप जो ये कह रहे हैं इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर राजनीति कोई अगर पेड़ होती तो कल्पलता का पेड़ होती, कि बड़े संभावनाएं होते उसमें। पंजाब के ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं कि किसको कितनी सीट मिलने वाली है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस 5 से 7 पे सिमट कर रह सकती है और आम आदमी पार्टी 4 से 6 सीटें और जो वो शिरोमणि अकाली दल है उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। मतलब इसमें जो है कांग्रेस अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। रामकृपाल सर, देखिए, अच्छा करते हुए पिछली बार कांग्रेस को 13 सीटें मिल गई थी, सारी की सारी सीटें कांग्रेस की जहाँ तक मुझे लगता है उसी के पास थी। इस बार आप 5 से 7 दिखा रहे हैं, इसका मतलब आधी हो गई है। 8? अच्छा, 8 थी तो उस पिछली बार से कम है। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि आप पार्टी जिस तरह से वहाँ पे है और सारी चीज़ें, अगर गठबंधन नहीं होता है और गठबंधन हो भी जाता है तो कितनी सीटें मिलेंगी ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे नहीं लगता है कि, और जैसा मैंने कहा था कि देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा सीटें जो पिछली बार मिली थी जी, वो केरल, तमिलनाडु और पंजाब मिला करके करीब करीब इसकी 31 सीटें थी और बाकी हिंदुस्तान से टोटल 21 सीट मिली थी, जिस तरह 52 सीटें हुई थी। अब अगर पंजाब में कम होती है तो फिर बात वही आएगी कि कांग्रेस कहाँ से आगे बढ़ेगी, किन जगहों पर आप कांग्रेस में क्षेत्रीय पार्टियां उनको एडजस्ट करने के लिए स्पेस देंगी। लेकिन पंजाब में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आंकड़ा है सर, तो उसमें ये मान ले कि विधानसभा चुनाव इसमें भी वही बात लागू होती है जो हम जनरल कही जाती है भारतीय राजनीति में कि राज्य का चुनाव अलग है और दिल्ली वाला चुनाव अलग है। देखिए विवेक, एक बात बहुत स्पष्टतः मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि ये ओपिनियन पोल है और ओपिनियन पोल में हम जो भी हैं कैवियट के साथ ही कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम अगले 90 दिन क्या कहें, अगले 30, 35, 40 दिनों में भी बदलेगा और पंजाब की तारें जो हैं वो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई हैं। ना ही सिर्फ सीट का जो शेयरिंग होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बल्कि किस प्रकार से ये जो दिल्ली में केस चल रहा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ और शीर्षस्थ नेताओं के खिलाफ, जो शराबबंदी वाला मामला है वो किस प्रकार से करवट लेता है और क्या मोड़ लेता है, उससे भी पंजाब की राजनीति बहुत प्रभावित होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है जी, लेकिन आप ये जरूर समझिए कि वहाँ भी वही बात होगी। इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है, पर कांग्रेस भी डिवाइडेड हाउस है पंजाब में। अच्छा। वहां आप देखेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू और बाजवा इन दोनों के बीच में भी काफी कटाक्ष चल रहा है और मैंने कहा ना कि जैसे ही अभी परिवर्तन होगा मुझे लगता है कि केजरीवाल को वापस आना है। एक बड़ी अपडेट जान लीजिए, कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे इलेक्शन का समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी, आने वाले दिनों में कांग्रेस का ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। सुनाते हैं आपको प्रगट सिंह को।
एबीपी न्यूज के जो है पोल सामने आए हैं 2024 के इलेक्शन को लेकर, बात की जाए पंजाब की तो सबसे ऊपर कांग्रेस नजर आ रही है, दूसरे पे आम आदमी पार्टी, तीसरे पे भाजपा और चौथे पर अकाली दल नजर आ रही है। सबसे पहले तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? नहीं देखो, अभी तो ये शुरुआती दौर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब जब इलेक्शन पास आएंगे उस टाइम तक ये बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। जो आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस है उसमें तो किसी को हर चीज़ का पता ही है, और मेरा ख्याल है कि जितनी परफॉर्मेंस इनकी ख़राब है पिछले पौने दो साल में, शायद ही ऐसी किसी सरकार की खराब होगी। प्रकृति जो मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर कह सकते हैं हाईकमांड में इनका गठबंधन साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में गठबंधन होगा नहीं, ये सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है। मैं आपको बता देता हूं, गठबंधन नहीं होगा और ना हम इसको होने देंगे। तो प्रगट सिंह को आप सुन रहे थे, सबके अपने अपने दावे हैं ओपिनियन पोल सामने आने के बाद। सब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी, बीजेपी के अपने दावे हैं। इसी पर हमने ओपिनियन पोल के पार्ट टू में चर्चा की। शाम 5 बजे आपको फाइनल ओपिनियन पोल हम एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। हम लोगों को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ABP News, आपको रखे आगे।